Hello and welcome everyone in the classroom of Pune Study Circle. Dear students, in this lecture we are going to study about accounting treatment to accumulated profits and losses. In last lecture we have studied about accounting treatment to goodwill when partners decide to change in their existing profit and loss sharing ratio. बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया कि गुडविल को हम कैसे वैल्यूएट करते हैं, कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। जब साझेदार ये डिसाइड करते हैं कि भविष्य में उनका जो लाभ हानि अनुपात है वो परिवर्तित होने वाला है। बेटे यहां हम बात करेंगे उन संचित लाभों की, उन रिजर्व्स की, उन लॉसेस की जो फर्म ने हिस्टोरिकली अर्न किए हैं या सफर किए हैं, लेकिन अभी भी वो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, पार्टनर्स के अंदर वो बांटे नहीं गए हैं क्योंकि सभी पार्टनर्स ने अपने ऑल रेशियो के अंदर इन रिजर्व्स को क्रिएट किया था, इन प्रॉफिट्स को अर्न किया था, इन लॉसेस को सफर किया था। इसीलिए हमें यहां डिसाइड करना पड़ेगा वेदर वी आर गोइंग टू शो देम इन द बैलेंस शीट ऑफ न्यू पार्टनरशिप फर्म और वी आर गोइंग देम टू रिमूव फ्रॉम द बैलेंस शीट। हमें यहां निर्धारित करना पड़ेगा क्या फर्म इन रिजर्व्स को, इन प्रॉफिट्स को, इन लॉसेस को नई पार्टनरशिप की बैलेंस शीट में शो करना चाहेगी या वो शो नहीं करना चाहेगी। शो नहीं करने का मतलब ये होता है फर्म हैज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट दीज प्रॉफिट एंड लॉसेस अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। इन दैट केस इन प्रॉफिट्स रिजर्व्स और लॉसेस को हम क्या करेंगे, सभी पार्टनर्स के जो पुराने अनुपात हैं उसी अनुपात में उन्होंने अर्न किए, सफर किए, तो उसी अनुपात में इनको बांट देंगे। जितने भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसके कैपिटल बढ़ जाएगी और जितने भी हमारे लॉसेस होते हैं उनको पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम ट्रांसफर करने वाले हैं। व्हाई आई एम यूजिंग हियर कैपिटल और करंट अकाउंट, बिकॉज यू नो दैट देयर आर टू मेथड्स फॉर मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। जब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो करते हैं तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है, दो कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक को टाइटल करेंगे हम कैपिटल अकाउंट और दूसरे को टाइटल करेंगे हम करंट अकाउंट। जो हमारा कैपिटल होता है वो स्टैटिक रहता है, फिक्स रहता है अंटिल एंड अनलेस इट इज बीइंग अफेक्टेड बाय परमानेंट विड्रॉल और इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कैपिटल, जबकि जो करंट अकाउंट है उसके अंदर हम एडिशनल जो हमारे एनुअल ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं या इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। जबकि क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं दे रखा या मेंशन कर रखा है दैट फॉर्म फॉलो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, इन दैट केस वी आर गोइंग टू मेंटेन ए सिंगल कैपिटल अकाउंट दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। द बैलेंसेस ऑफ कैपिटल एज वेल एज द एनुअल ट्रांजेक्शन आर गिवन इफेक्ट थ्रू ओनली दिस अकाउंट, सो द बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर फॉर द बिगनिंग ऑफ द ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर कीप ऑन चेंजिंग। यहां कैपिटल का बैलेंस हमारा चेंज होता रहता है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट व्हाट वी मीन बाय एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्युमुलेटेड लॉसेस। Accumulated profits means all those divisible profits or the parts of divisible profits which have been retained by the firm and have not been distributed among the partners. They exist in the balance sheet either in the form of divisible reserves or in the form of the credit balance or profit and loss account. You may call it retained earning. बेटे accumulated profits या जो हमारे संचित लाभ या संचय हैं उनसे अभिप्राय लाभ के जो divisible profit होता है हमारा वितरण योग्य लाभ होता है उसका वो हिस्सा जो फर्म ने अर्न किया है पास्ट के अंदर, भूतकाल के अंदर, लेकिन अब तक पार्टनर्स में बांटा नहीं गया है क्योंकि वो ओल्ड रेशियो में ही पार्टनर्स ने अर्न किया था, इसीलिए फर्स्ट राइट उनका ओल्ड रेशियो में ही क्रिएट होता है। ठीक है, ऐसे प्रॉफिट्स या तो रिजर्व के सेंस में एग्जिस्ट करते हैं जो डिविजिबल रिजर्व्स होते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस के तौर पर वो एग्जिस्ट करते हैं। हियर आई हैव मेंशन नेम ऑफ सम ऑफ दोस यू विल कॉमनली फाइंड इन योर अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स व्हाइल यू विल बी टेकिंग अटेम्प्ट टू द अकाउंटिंग प्रॉब्लम गिवन इन योर चैप्टर। जब आप अटेम्प्ट करेंगे उन अकाउंटिंग प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो आपके चैप्टर में दे रखे हैं तो वहां पर आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मोर ओवर यही रिजर्व और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल मिलेंगे। हियर वी आर हैविंग जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन रिजर्व एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। When we are talking about the accumulated losses, it means losses being suffered by the firm in the past but have not been written off yet completely. बेटे वो losses हैं जो firm ने भूतकाल में सफर किए लेकिन अब तक उनको completely write off नहीं किया गया है, either they exist in the form of debit balance of P&L or any kind of deferred revenue expenditure, for example advertisement suspense account. या तो कोई deferred revenue expenditure मिलेगा या आपको P&L का debit balance मिलेगा, so इस loss के लिए भी आपको accounting treatment provide करना पड़ेगा। Here we are having two ways to provide treatment to this accumulated profit reserves and losses. हमारे पास दो रास्ते हैं, दो मार्ग हैं इन संचित लाभ संचयों और हानियों को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। या तो हम ये डिसाइड करते हैं कि ये जो रिजर्व्स और प्रॉफिट और लॉसेस हैं इनको न्यू बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करेंगे, और हम क्या डिसाइड कर सकते हैं कि इनको शो किया जाएगा। सो यहां हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वैरी करेंगे। अगर हम
ये डिसाइड करते हैं कि शो किया जाए न्यू बैलेंस शीट के अंदर, न्यू फॉर्म की बैलेंस शीट के अंदर, उस टाइम जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होती है वो गेनी एंड सैक्रिफाइस रेशो गुडविल की तरह पास की जाती है, बट इन केस वी डिसाइड टू डिसअपीयर देम और टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, जब हम ये डिसाइड करते हैं कि ये जो संचित लाभ है, रिजर्व्स हैं या हानियां हैं, इनको हम बांट देते हैं, नई बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, इन दैट केस हमारी जो एडजस्टमेंट एंट्री रहेगी वो हमारी ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग ही रहने वाली है। वेरी फर्स्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द जर्नल एंट्री दैट इज टू बी पास्ड बाय यू व्हाइल सॉल्विंग अकाउंटिंग प्रॉब्लम एंड सेकंड थिंग विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्पेसिफिकली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, इसके लिए हमें कंप्लीट न्यूमेरिकल की हेल्प से इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव सिचुएशन में हम कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें, एंड सेकंड वन इज गोइंग टू बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सो लेट मी एक्सप्लेन यू वेरी फर्स्ट द एंट्री फॉर एडजस्टिंग accumulated profits and reserves, when we decide to distribute them among the partners and they are not to be shown in the balance sheet of new partnership firm. सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितने भी हमारे reserves और profits होते हैं उनको partners के capital या current account के credit side में transfer करेंगे, वही हमारे जितने भी losses होते हैं उनको partners के capital या current account के debit side में transfer आप लोग करेंगे। depend करता है firm किस प्रकार का capital account मेथड फॉलो कर रही है, अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रही है तो ये एंट्री हमारे करंट अकाउंट के थ्रू पास करेंगे, अगर फर्म फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रही है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है तब भी हम ये मान लेते हैं कि दैट फर्म इज फॉलोइंग और हैज बीन फॉलोइंग द फ्लेक्सिबल कैपिटल अकाउंट मेथड, इन दैट केस विल गिव इफेक्ट टू दिस एडजस्टमेंट टू द कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये मानकर कि फर्म फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रही है, रिजर्व को एडजस्ट करके बताते हैं आपको, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट जो कि इसको डिसअपीयर कर रहे हैं, लायबिलिटीज साइड में क्रेडिट साइड में अपीयर होते हैं, कैंसिल करेंगे तो डेबिट करना पड़ेगा, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितने भी रिजर्व हैं, जितने भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं आप सबको डेबिट कर लें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस नीड नॉट टू राइट हियर क्रेडिट, यू कैन सिंपली राइट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये जो एंट्री आप पास करेंगे ये ओल्ड रेशियो के अंदर जो चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो से पहले अनुपात था उस अनुपात में आप ये जनरल एंट्री पास करने वाले हैं। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है दैट फॉर्म हैज बीन फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, इन दैट केस ये जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है यहां आप पार्टनर्स करंट अकाउंट लेंगे इंस्टेड ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब बात करते हैं एक्युमुलेटेड लॉसेस के लिए, ये हमारा रेसिप्रोकेट हो जाएगा, लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, लॉसेस को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो यहां हमें पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। हम ये मान रहे हैं कि फॉर्म फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करती है तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम पास करेंगे एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इस रेशो के अंदर वही ओल्ड रेशो के अंदर, क्योंकि जब हम डिसाइड करते हैं इस कॉन्सेप्ट को भूल जाएं एक बार के लिए, जब हम डिसाइड करते हैं कि जो हमारे रिजर्व्स और लॉसेस हैं उसको बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाएगा, मतलब पार्टनर्स में बांटा जाएगा, तब एंट्री हमारे फर्स्ट केस के अंदर ओल्ड रेशो में ही पास होती है। टू पीएनएल अकाउंट, यहां आपको डेबिट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लॉस को ही राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट कर रहे हैं। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इन ओल्ड रेशो, अक्यूमुलेटेड जो लॉसेस है वो हमने डिवाइड कर दिए हैं। इस प्रकार से आप जनरल एंट्री पास करेंगे जितने भी हमारे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या अक्यूमुलेटेड लॉसेस हमारे हैं, इन द केस व्हेन फर्म डिसाइड नॉट टू शो देम इन द बैलेंस शीट ऑफ न्यू पार्टनरशिप फर्म। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी फर्स्ट अबाउट दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ एन अकाउंटिंग प्रॉब्लम। बच्चों यहां हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉब्लम है ये सीखने के लिए कि जो हमारे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स एंड लॉसेस होते हैं उनको किस प्रकार से ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए इन द इवेंट व्हेन द पार्टनर्स डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियोस। हियर आई रीड फॉर यू एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 4-3-2। एक्स वाई जेड तीन साझेदार हैं जो लाभ हानि को 4:3:2 में विभाजित करते हैं। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 3-1। उन्होंने निर्धारित किया कि भविष्य में लाभ को 3:2-1 में विभाजित करेंगे।
जिस दिवस में जिस डेट में उन्होंने ये डिसाइड किया उस डेट के अंदर जो हमारी बैलेंस शीट है उसने जो हमारे बिलो मेंशन रिजर्व्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं उनको शो किया है. हियर वी आर हैविंग जनरल रिजर्व व्हिच इज अ डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल रिजर्व 30,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस रुपीज 45,000. हियर वी आर हैविंग ए लॉस दैट इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट रुपीज 18,000. हमारे को टू रिजर्व्स दे रखे हैं प्लस एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है और एक हमें डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द सेंस ऑफ लॉस दे रखा है 18,000 रुपए का. यहाँ जो हमारा न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है इट बिकम्स इरिलेवेंट व्हेन फर्म डिसाइड टू नॉट टू शो दीज रिजर्व्स एंड लॉसेस इन द बैलेंस शीट ऑफ न्यू पार्टनरशिप फर्म. यहाँ ये जो नया अनुपात है इसका कोई भी यूज हमारे लिए नहीं है एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोवाइडिंग एडजस्टमेंट टू द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस. वहां तक जहां तक हमें रिजर्व को प्रॉफिट को और लॉसेस को एडजस्टमेंट प्रोवाइड करना है हाँ इस न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो को यूज किया जाएगा सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए जब हम गुडविल को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे या हमारे जो रिवैल्यूएशंस वगैरह है या कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए हम इन रेशियोज को यूज करने वाले हैं. लेकिन यहाँ न्यू रेशियो का हमारा कोई भी यूज नहीं रहेगा क्योंकि इन द केस व्हेन फर्म डिसाइड टू डिवाइड प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब पार्टनर जो हमारा ओल्ड रेशियो है वही हमारा रिलेवेंट रहता है. तो यहाँ हमें जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी स्पेशली इसके लिए ताकि हमारे जो कैपिटल्स हैं वो एडजस्ट हो जाए. यहाँ एक और अजम्पशन रहती है हमारे अंडरलाइंग दैट इज फर्म डज फॉलो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड. जो पार्टनरशिप फर्म है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रही है दैट्स व्हाई वी विल गिव इफेक्ट टू ऑल द एडजस्टमेंट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम एडजस्टमेंट देंगे. सबसे पहले हम इसका नेट रिजल्ट डिसाइड करेंगे. एंट्री यू विल राइट प्रोफिट्स जनरल रिजर्व काउंट ड्राइवेट here after we are having workmen compensation reserve profit and loss account debit ye hamare three profits and reserves se rakhe hain amount rupees 30,000 15,000 and rupees 45,000 here after we are having a loss in the name of एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. तो इस लॉस को पहले हम क्या करें क्रेडिट कर लें टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. ये है हमारा 18,000. सी यहां से जो हमारा रिजल्ट है वो असर टीन होता है 45 प्लस 15 60 प्लस 39 एंड 18,000 के हमारे पास लॉसेस हैं. सो आप लोग नेट इफेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं 90 माइनस 18 दैट इज गोइंग टू बी 72,000 रुपीज का हमारा एक्सेस है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का ओवर अक्यूमुलेटेड लॉसेस. जो हमारे रिजर्व्स का प्रॉफिट है वो 72,000 रुपए से ज्यादा है किससे हमारे अक्यूमुलेटेड लॉसेस से या यहाँ जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है 18,000 रुपए का उससे. सो यहाँ हम जो नेट इफेक्ट है उसी से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते हैं. अगर लॉस ज्यादा होते हैं तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को यहाँ डेबिट करते हैं. लेकिन अगर हमारे रिजर्व्स और प्रॉफिट ज्यादा है जो कि इस केस में दे रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा जो एक्सेस अमाउंट है हमारे रिजर्व्स और प्रॉफिट की ओवर अक्यूमुलेटेड लॉसेस उससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा. इसको बैलेंस करने के लिए अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुककीपिंग टू पार्टनर्स कौन कौन पार्टनर्स है यहां पर एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड कैपिटल अकाउंट. जेड कैपिटल अकाउंट रेशियो हमारा क्या रहेगा दैट वॉज ओल्ड. सो ये जो 72,000 रुपए है इट विल बी डिवाइडेड इंटू 9 पार्ट 3 2 प्लस 3 4 3 प्लस 2 = 9. 9 हिस्सों में इसको बांटना पड़ेगा एंड ईच शेयर विल कम टू 8,000. 8,000 का एक हिस्सा चार हिस्से हमें किसको प्रोवाइड करते हैं एक्स को. सो एक्स विल गेन 32,000 इन हिज कैपिटल अकाउंट. 3 शेयर्स टू वाई दैट मीन्स 24,000 टू वाई एंड वट अबाउट जेड 16,000. हियर यू विल राइट नरेशन ओल्ड रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड लॉसेस डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स
इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो के अंदर और पुराने अनुपात के अंदर हम इन एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को रिजर्व कर चुके हैं, एडजस्ट कर चुके हैं इन देयर ओल्ड रेशियो अकॉर्डिंग टू द एडजस्टमेंट एंट्री. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द एडजस्टमेंट इन अल्टरनेटिव केसेस अबाउट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. स्टूडेंट हियर वी आर हैविंग अल्टरनेटिव सिचुएशंस रिलेटेड टू द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. बेटे यहाँ पर हमारे को अलग अलग सिचुएशंस दे रखी हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा और हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा टू द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. लेट मी टेल यू व्हाट डू मीन बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनरशिप फर्म इन ऑर्डर टू सेटल एनी कंप्लेन और कंपनसेशन और क्लेम ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉइज. बेटे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे जो डिविजिबल प्रॉफिट होते हैं, हमारे जो आयगत लाभ होते हैं, उन लाभों से क्रिएट किया गया एक संचय है जिसको हम कब यूज करते हैं, जब कोई क्लेम आता है हमारे एम्प्लॉइज से संस्था की तरफ, तो उस क्लेम को सेटल करने के लिए, चाहे वो एक्सीडेंटल क्लेम है या वो किसी तरह का क्लेम है, वो उस क्लेम को सेटल करने के लिए हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अमाउंट को यूज कर सकते हैं. हियर इन दिस सिचुएशन वी आर प्रोवाइडेड दैट ए फर्म हैज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ ₹60,000. एक फर्म के पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अवेलेबल है, उसने क्रिएट कर रखा है अपने रेवेन्यू प्रॉफिट से टू द एक्सटेंट ऑफ 60,000. अब ₹60,000 तक के क्लेम वो फर्म सेटल कर सकती है इस रिजर्व से. अब डिपेंड करता है हमारी अकाउंटिंग प्रॉब्लम किस तरह से कितने अमाउंट के क्लेम को शो करती है, जिसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा बिफोर डिटरमाइनिंग इट्स डिविजिबल पोर्शन अमंग पार्टनर्स. अब यहाँ पर हमें पता है कि हमारा रिजर्व ₹60,000 है इन अल्टरनेटिव सिचुएशन. लाइक इन फर्स्ट सिचुएशन वी आर हैविंग नो क्लेम अगेंस्ट दिस 60,000. हमारे पास कोई क्लेम है ही नहीं कर्मचारियों से. इन दैट केस दिस एंटायर रिजर्व विल बी डिवाइडेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं उन सभी में इस ₹60,000 को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से बांट दिया जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट में. अगर वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करते हैं, अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करते हैं, तो हम इसको करंट अकाउंट के थ्रू बांटेंगे. एंट्री हमारी वही रहेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट अमाउंट 60,000. आपको बताया सारा ही रिजर्व बटेगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 60,000. और ये किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व divided among all partners in their old profit and loss sharing ratio. Second situation, when we are having some claim, but the amount of claim is less than the amount of reserve existent in the balance sheet of partnership firm. Second situation में हमारे पास claim है, लेकिन वो जो amount है, वो हमारे reserve से जो हमने create कर रखा है, उससे कम है. अगर हमारा reserve 60,000 का है, तो हो सकता है वो claim हमारा ₹10,000 का हो, 20 का हो, 25,000 का हो, 59 का हो, 59,500 का हो, लेकिन वो 60,000 से कम ही है. इन दैट केस जितना हमारा क्लेम है उतने क्लेम के नाम से हम एक प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे. दैट मीन्स प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. और जो बाकी हमारा प्रॉफिट रहेगा, एक्सेस प्रॉफिट रहेगा, वो पार्टनर्स में और रेशो में बांट दिया जाएगा. यहाँ हमारी एंट्री, क्योंकि क्लेम हमारा 20,000 का दिया गया है अकाउंटिंग प्रॉब्लम में, तो डिविजिबल प्रॉफिट जो पार्टनर्स में रहेगा दैट विल बी 40,000. आप एंट्री क्या पास करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू प्रोविजन के नाम से हम कितना रखेंगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000. 20,000 हम रखेंगे बैलेंस शीट के अंदर इन द नेम ऑफ प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एंड रेस्ट ऑफ 40,000 विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स टू देयर कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कितना अमाउंट जाएगा, 40,000. वहां हमारा सारा का सारा रिजर्व डिवाइड कर दिया था पार्टनर में, यहां लेकिन रिजर्व कितना डिवाइड करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000 विच इज अवेलेबल एट द डिस्पोजल. थर्ड सिचुएशन हमारी है जब हमारे क्लेम का और रिजर्व का अमाउंट हमारा ऑलमोस्ट सेम ही होता है, 60,000 60,000. अगर ₹1,00,000 का रिजर्व दे रखा है और ₹1,00,000 का ही क्लेम है, इन दैट केस वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इन द नेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा ही नहीं अगर हमारा क्लेम और हमारा रिजर्व का अमाउंट एक जैसा है. सो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्लेम तो रहेगा ही नहीं, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. अब यहां ₹60,000 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एक रुपया भी नहीं गया,
सारा 60,000 हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के अंदर। फोर्थ सिचुएशन व्हेन द अमाउंट ऑफ क्लेम एक्सीड द अमाउंट गिवन एज रिजर्व। बेटे फोर्थ सिचुएशन हमारी क्या हो सकती है, एक्सट्रीम सिचुएशन होती है जब हमारे क्लेम का अमाउंट हमारे रिजर्व से एक्सीड कर जाता है। इन दैट केस वी आर गोइंग टू सफर ए लॉस इन द नेम ऑफ रिवैल्युएशन अकाउंट। वहां हमारा एक रिवैल्युएशन अकाउंट क्रिएट किया जाता है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और ये जो लॉस है हमारा किस वजह से क्रिएट हुआ है, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा शॉर्टफॉल रहा किसके अगेंस्ट, जो क्लेम एम्प्लॉयज ने फाइल किया अगेंस्ट द ओल्ड फर्म। सो यहां हम जो एक्सेस हमारा लॉस है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट नहीं करेंगे, रदर जो रिवैल्युएशन का प्रॉफिट या लॉस होगा वो अपने आप ही पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर देगा। यहां हमें इस लॉस को रिवैल्युएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। यहां हमारी एंट्री क्या रहेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000। अब ये हमारा 60,000 यूज हो गया, 30,000 कम रह गया प्रोविजन के लिए, तो हम कहां से लेंगे, रिवैल्युएशन से। रिवैल्युएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्युएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, हम प्रॉफिट एंड लॉस एस्टिमेट करने के लिए इस अकाउंट को यूज करते हैं। 30,000 जो लॉस है वो यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 90,000। इन दिस वे यू विल मेक एडजस्टमेंट अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। Now in our next case we will be learning about accounting treatment to investment fluctuation reserve. Here we are having accounting problem related to investment fluctuation reserve. Existing investment fluctuation reserve in the balance sheet of the firm is rupees 1 lakh. Firm ke paas 1 lakh rupee ka investment fluctuation reserve exist karta hai, whereas in balance sheet we are provided with the book value of investment is rupees 50,000. जो इन्वेस्टमेंट का बाइंग प्राइस है, परचेज प्राइस है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है या बुक वैल्यू है, दैट इज गिवन एज 50,000। सो यहां हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है क्या वो हमारे इन्वेस्टमेंट के बुक वैल्यू के इक्वल है, उससे कम है, उससे ज्यादा है, और अकॉर्डिंगली हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को यूटिलाइज करना पड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेट मी टेल यू व्हाट डू वी मीन बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इट इज ए काइंड ऑफ रेवेन्यू रिजर्व व्हिच इज क्रिएटेड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट बाय द फर्म इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द कैपिटल लॉसेस व्हिच मे अकर टू द फर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेटे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व होता है जो हम अपने डिविजिबल प्रॉफिट में से क्रिएट करते हैं उस लॉस को मिटिगेट करने के लिए या कंपनसेट करने के लिए जो लॉस हमें हो सकता है अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू उसके बुक वैल्यू से कम हो जाए। दैट मीन्स अगर हमने शेयर खरीद रखे, डिबेंचर खरीद रखे हैं और उस कंपनी के शेयर और डिबेंचर की मार्केट वैल्यू कम हो जाए जिस कंपनी के हमने खरीद रखे हैं। तो यहां भी हमारे पास अल्टरनेटिव सिचुएशन है, तीन सिचुएशन आपको दी जा सकती है। मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, या तो क्वेश्चन में आपको मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगा और या आपको मार्केट वैल्यू मिले लेकिन वो बराबर रहे हमारे बुक वैल्यू के, तो वहां पर हम क्या करेंगे, कोई भी लॉस हमें नहीं हुआ है, सारे के सारे हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पार्टनर्स में बांट देंगे। और एंट्री क्या रहेगी हमारी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारे के सारे रिजर्व को बांटेंगे, ओल्ड रेशो हमारा रहेगा क्योंकि हमें न्यू बैलेंस शीट में रिजर्व को शो नहीं करना है। रिजर्व हमारा कितना है, रुपीज 1 लाख, 1 लाख। तो 1 लाख रुपए का रिजर्व हमने डिवाइड कर दिया अमंग पार्टनर्स बिकॉज वी डिड नॉट सफर एनी लॉस ऑन द अकाउंट ऑफ डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। हियर वी आर हैविंग वेरिएशन बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू यहां हमारे सेकंड सिचुएशन में अल्टर कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। जो हमारी बुक वैल्यू है इट इज मोर देन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एग्जिस्टेंट इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो गई है, इन दैट केस वी आर हैविंग लॉस। सो इसी लॉस को मिटिगेट करने के लिए हमने रिजर्व बना रखा है। 10,000 रुपए का लॉस हमें यहां हुआ है, यानी सिचुएशन को आप बोल सकते हैं कि जब मार्केट वैल्यू हमारी कम होती है बुक वैल्यू से, तो वहां जो हमें लॉस होता है वो हम कहां से राइट ऑफ करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से हम उसको राइट ऑफ करेंगे। उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट बचेगा इन द सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा ओल्ड रेशो में। तो यहां हमारी एंट्री क्या रहेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें इसको डिसअपियर करना है टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख। अब 10,000 रुपए तो हम इन्वेस्टमेंट के नाम से टू इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000 रुपीज जो लॉस हुआ वो हमने यहां से ले लिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब प्रॉफिट हमारा कितना बचेगा 1,00,000 - 10,000 90,000। तो 90,000 को हम पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे अमंग देम। हियर वी आर हैविंग अ सिचुएशन व्हेन मार्केट वैल्यू इज मोर देन द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहां हमें प्रॉफिट हुआ है और वो प्रॉफिट भी हमारा हिडन है, बैलेंस शीट में नहीं दे रखा है। एक तो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ये तो सारा का सारा बटेगा। व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू डू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट टू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहां हम ये मानकर चल रहे हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को फॉलो करते हैं तो सारा का सारा एंट्री हमारा कैपिटल अकाउंट के थ्रू पास किया जाएगा। लेकिन जैसे हमें वर्कमैन कंपनसेशन के केस में लॉस हुआ था वो हमने रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर किया था, यहां जो हमें प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट कितना हुआ है बुक वैल्यू दे रखी है 50,000 और हमारे मार्केट वैल्यू 80,000, 30,000 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया। वो प्रॉफिट हम कहां ट्रांसफर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम उसको ट्रांसफर करेंगे। सो यहां हमारी एंट्री क्या रहेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हाउ मच रुपीज 1,00,000 वट एवर इज गिवन। क्लियर, 1,00,000 रुपए का हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास दे रखा है, उसको राइट ऑफ करना है हमें। उसके बाद क्या करेंगे, हम वैल्यू को कंपेयर करेंगे, बुक वैल्यू दे रखी है हमारी 50,000 रुपए और मार्केट वैल्यू दे रखी है हमारी 80,000 रुपीज। तो वो जो 30,000 है वो कहां ट्रांसफर किया जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। लेकिन जो 1,00,000 रुपीज है हमारा, ये सारा का सारा हम कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। सो यहां हमें क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करें या क्रेडिट करें, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा प्रॉफिट से हमेशा क्रेडिट होता है और लॉसेस से हमेशा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। सो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, 1,00,000 रुपए को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे सिंपली टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रुपीज 1,00,000। जो 30,000 रुपीज का सॉरी हमारा प्रॉफिट क्रिएट हुआ है वो कहां से क्रिएट हुआ है, हमारे इन्वेस्टमेंट से क्रिएट हुआ है, दैट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट कहां जाएगा, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जाएगा। यहां आप उसके लिए एंट्री पास भी कर सकते हैं और एंट्री पास ना भी करें तो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप एंट्री पास करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे। Keep studying at home. If you have any problem, you can comment to us.